नमस्कार, मैं हूँ माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। अजमेर की नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने सोमवार शाम पदभार ग्रहण किया। वे अजमेर की पहले महिला आईपीएस अधिकारी हैं जिन्हें जिले की कमान सौंपी गई है। वंदिता राणा ने स्पष्ट किया कि वे जिले में नशे के खिलाफ सख्त अभियान चलाएंगी और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। जो प्राथमिकता है वो जैसे कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि अपराधियों में भय होना चाहिए और आमजन में विश्वास होना चाहिए, उसी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए काम करना हमारी जिम्मेदारी है। और इसमें पूरी की पूरी टीम को साथ में लेकर, अपनी सारी पुलिस टीम के साथ मीटिंग करके, कार्य योजना को तैयार करके, किस प्रकार से जो आमजन है, समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं, समाज के जो भी वर्ग अपने आप को अलग महसूस करते हों, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो महिलाएं हों, उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी बना के उनको मोर सेफ फील कराया जा सकता है, और उसके साथ जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ क्या से क्या क्या सख्त से सख्त कार्रवाई करी जा सकती है, यही कार्य योजना रहेगी। नहीं, इसमें स्ट्रैटेजी की कोई बात नहीं है। मुझे इस सर्विस में कई साल हो चुके हैं और मैं हर जगह जहाँ पर रही हूँ वहाँ पर मुझे आमजन का बहुत अच्छा सहयोग मिला है, और पूरा का पूरा पुलिस विभाग, पूरी की पूरी पुलिस की टीम कमिटेड है अच्छी से अच्छी पुलिसिंग आमजन को देने के लिए। और मुझे यकीन है कि अजमेर पुलिस की जो मेरी टीम है वो साथ में काम करके एक बेहतरीन पुलिसिंग अजमेर की आम जनता को प्रोवाइड करा पाएगी। हाल ही में जो घटनाएं अजमेर में आपने पढ़ी होगी, किस तरह का जो माहौल है उस माहौल को लेकर, जैसे फायरिंग की घटना हुई है किशनगढ़ में, दो बार हो गई एक दिन में, तो इसको कानून व्यवस्था को लेकर चुनौती मानते हैं? चुनौतियां जो है वो पुलिसिंग का हिस्सा है। जो भी घटना हुई है उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, कोई भी क्रिमिनल को बख्शा नहीं जाएगा। क्रिमिनल्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो हमारी प्रायोरिटी रहेगी। तो अगर जो भी घटना हुई है उसके ऊपर आई एम श्योर दैट वी आर वेरी वेल केपेबल एंड वील टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। पर्यटन के स्तर पर भी श्रेष्ठ जिला माना जाता है, ऐसे ही धार्मिक स्तर से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। सेंटर है, हार्ट ऑफ सिटी है राजस्थान की, यहाँ का जो कानून व्यवस्था है ना बिगड़े, इसको लेकर कोई? देखिए, इसके लिए जो आमजन हैं, जिसके सभी सेक्शंस हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैचर आपस में एक सहयोग के साथ, एक समन्वय के साथ मिलके काम करें और जो आपस में एक सौहार्द का भाव है वो बना रहे, उसके लिए पुलिस जो है वो एक फैसिलिटेटर का काम हमेशा से ही करती आई है, और उस फैसिलिटेटर के काम को हम और ही अच्छी तरीके से करेंगे, जिससे जो सौहार्द का माहौल है और जो आपस में भाईचारे का माहौल है जिसके लिए अजमेर पूरे देश में फेमस है वो बना रहे। और अगर कोई भी मिसक्रियंस उस माहौल के अंदर किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है तो ही विल बी टैकल्ड इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैनर एज पर लॉ। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि समाज का हर वर्ग हमारी प्रायोरिटी में आता है, जिसमें महिलाएं और भी ज़्यादा प्रायोरिटी में आती हैं। इसके अंदर मेरा महिला होने के नाते, उनके साथ कोई भी महिला परिवादी होती है या महिलाओं से संबंधित मुद्दे होते हैं, तो उसमें जो शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग कुछ बेहतर हो सकती है पुरुष अधिकारियों के मुकाबले, लेकिन मैं ये शायद कहूँगी, क्योंकि सेंसिटिविटी जो है वो एक ह्यूमन कैरेक्टर है, वो खाली एक वुमेन कैरेक्टर नहीं है, और बहुत से पुरुष अधिकारी जो हैं वो भी बहुत सेंसिटिव होते ही हैं। तो उसी सेंसिटिविटी के साथ काम करना है, तो वी विल ट्राई कि हम आउटरीच रखें, महिलाएं जो हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, पुलिस थाने में जाने से पहले ना डरें, कोई भी घटना होती है, कोई भी बात होती है, वो पुलिस के सामने अपनी बात रख सकें, और पूरी संवेदनशीलता के साथ हम उनकी हर समस्या का डील करें। इसके लिए जो भी नवाचार की आवश्यकता होगी वो टीम के साथ डिस्कस करके किया जाएगा। संगठित गिरोह एक तरह से भूमाफिया काफ़ी ज़्यादा शहर में पनप रहे हैं, हाल ही जैसा कि रूपनगढ़ में देखा गया है। जमीनी विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसमें मर्डर भी हो रहे हैं, किडनेपिंग भी हो रही है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोई भी जो कानून को अपने हाथ में लेगा उसको कानूनन तौर पर बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन के साथ डील किया जाएगा, एंड दैट विल बी आवर स्ट्रैटेजी। तो अगर कोई भू माफिया है और वो सोचता है कि वो कानून से बड़ा है, तो कानून उसको लेसन टीच करने में पूरी तरीके से केपेबल है, और हमारी पुलिस पूरी तरीके से सक्षम है, हम उसके खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे। मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ आपने काफ़ी काम किया है, तो अजमेर में भी? जी बिल्कुल, ये जो एक नशा जो है वो एक किसी भी समाज के लिए एक बहुत बड़े नासूर की तरह है, जो हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको खा जाता है। तो ऐसे में इस प्रकार की जो कुरीति, इस प्रकार की जो एक चीज़ जो फैल रही है समाज में, उसको रोकने के लिए हमें पूरे आमजन के सहयोग के साथ इसको दोनों तरफ से ही, एक तो प्रिवेंशन
के सप्लाई ना हो और हम क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई करें, और दूसरा कि आम जन जो है वो इसके बारे में अवेयर रहे कि इस किस प्रकार से ये आपके परिवार को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये दोनों ही दोनों प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी पे हमेशा काम किया है, उसी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी पे यहाँ पर भी काम करेंगे। देखिए, अजमेर ज़िले का जो मेरा कार्यकाल है 7 महीने का, बहुत अच्छा, पूरी टीम ने अच्छा काम किया और पूरी टीम के सपोर्ट से मैं ये कहूँगा कि अजमेर ज़िला जो हमारे पुलिस के जो आंकड़े होते हैं उनमें कभी भी कहीं किसी लेवल में टुकाई नहीं हुई, हम बिल्कुल कंफर्टेबल थे। और जहाँ तक रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, कानून की, तो ओवरऑल अगर हम दूसरे ज़िलों को देखते हैं या पूरे इंडिया को देखते हैं तो राजस्थान में अजमेर बहुत पीसफुल रहा है। छुटपुट घटनाएँ हर जगह होती हैं लेकिन पुलिस की टीम ने तत्परता से काम करते हुए हर केस को, आज तक के जितने भी हमारे केस हुए हैं लगभग वर्कआउट हुए हैं, पूरी टीम ने मेहनत से काम किया है। मुझे बहुत खुशी है इस टीम के साथ काम करने के साथ कि ये टीम आगे भी इस तरह, जो नई एसपी आई हैं वंदिता जी, मेरे पास भरतपुर में एज एडिशनल एसपी भी ट्रेनिंग की है और अच्छी ऑफिसर है, बोल्ड ऑफिसर है, प्रैक्टिकल ऑफिसर है, तो टीम पूरा उनको सहयोग करेगी। काम करने को तो देखो संभावनाएँ अपार हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ आया था और अभी वर्तमान संदर्भ में जो देखा मैंने, तो जो सोशल मीडिया का जो दुरुपयोग हमारे समाज में परिलक्षित हो रहा है, जिसकी वजह से मुकदमे बहुत हमारे पास बढ़ रहे हैं, और चाहे वो परिवार के बिखराव के हों या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के हों, तो इसमें कहीं ना कहीं इसकी जो भूमिका रही है उसके बारे में एक अवेयरनेस ड्राइव मैंने कोशिश की थी, लगभग 30-32 कॉलेज स्कूल्स में जाकर। ये तो मैं मानता हूँ कि एक इस संदर्भ में आगे भी टीम इसको जारी रखेगी, तो एक अवेयरनेस ड्राइव से ही हम अवेयर करके ही क्राइम को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी तरह साइबर क्राइम भी जो है वो आने वाले समय की जो है एक चुनौती बनता जा रहा है, तो क्योंकि हर आदमी के पास लैपटॉप है, गैजेट है, मोबाइल है, तो उसको समझना और उसमें प्रिवेंटिव मेजर्स और उसमें किस लेवल की अपने को प्रिकॉशंस रखनी है, एक्सपर्ट से एक्सपर्ट आदमी भी धोखा खा जाता है। तो एक अवेयरनेस ड्राइव पुलिस उसमें चलाएगी और चलाया है, तो आगे अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। तो आप सबको जो है धन्यवाद, आप सब ने एज मीडिया बंधु मेरा पूरा सहयोग किया और समय समय पर आपसे भी मुझे जो है सूचनाएं मिलती रही हैं, जिसकी वजह से मैं समय पर एक्शन लेकर मेरी टीम को अलर्ट करके उन चीज़ों को मैं कंट्रोल कर पाया, चेक कर पाया और आगे वर्कआउट कर पाया। थैंक यू। आंगनबाड़ी केंद्रों में 7 माह का भवन किराया बाकी होने के कारण मकान मालिकों ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताला लगा दिया। आज इस मामले को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने जल्द से जल्द बकाया किराया अदा करने की मांग की ताकि आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन फिर से सुचारू रूप से शुरू हो सके। देखिए, आंगनबाड़ी में गत 7 माह से भवन किराया बकाया है, इसलिए भवन मालिक रोज रोज प्रतिदिन जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को धमकी देता है कि भवन खाली कीजिए। अभी हाल ही में 3 दिन पूर्व राबड़िया फर्स्ट केंद्र है उसमें भवन मालिक ने जो है ताला लगा दिया है और आंगनबाड़ी केंद्र का सामान भी बाहर रख दिया गया था। इसी तरह से माह फरवरी माह में विभाग द्वारा कोषार पकाने के लिए गैस और सिलेंडर हमें दिया गया था, उसका भुगतान भी आज दिनांक तक बकाया है। मानदेय की जहाँ तक बात है, केंद्र सरकार का 3 माह का और राज्य सरकार का 1 माह का बकाया है। साथ ही में ये सामूहिक गतिविधियाँ जो करते हैं, एक्टिविटीज़, उनका भुगतान भी बकाया है। इस तरह से समस्त प्रकार के भुगतान बकाया है। साथ ही में भवन मालिक द्वारा जो रोज़ इन्हें प्रताड़ित किया जाता है, विभाग को व्यक्तिगत रूप से भी निवेदन किया गया था लेकिन विभाग पे किसी तरह की जू नहीं रेंग रही है, इसलिए आज विवश होकर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी और महिला बाल विकास मंत्री दिया कुमार जी को ज्ञापन देके ये निवेदन करने आए हैं कि हमारी मांगों का शीघ्र निस्तारण करें और जितने भी बकाया भुगतान हैं उन्हें अतिशीघ्र करावे, अन्यथा भवन मालिक का जो हमें खाली करवा रहे हैं विवश होकर हमें केंद्र जो है खाली करने पड़ेंगे, जिससे आंगनबाड़ी में जो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे आते हैं राज्य और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो ठप होगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी इस सरकार की होगी, इस प्रशासन की होगी। यदि फिर भी
यदि राज्य सरकार नहीं चेतती है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि 10 दिन बाद समस्त अजमेर ज़िले के आंगनबाड़ी केंद्रों को हम बंद करेंगे, जिसके लिए हम पूर्व में ही इनको चेताने आए। वार्ड नंबर 43 में 1 किलोमीटर से अधिक लंबी पानी की पाइपलाइन का उद्घाटन नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर द्रौपदी कोली द्वारा किया गया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि यह पाइपलाइन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा 2023-24 के तहत स्वीकृत थी। इसी परियोजना की कुल लागत लगभग 30 से 40 लाख रुपए होगी। इस पाइपलाइन के निर्माण से क्षेत्र के जल दबाव में सुधार होगा और पुरानी पाइपलाइन की जगह नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिससे क्षेत्रवासियों को पानी की आपूर्ति में काफी लाभ होगा। आज वार्ड 43 में हमारे काजल यादव जी हैं और ईश्वर राजौरिया, बहुत मेहनत की इन्होंने हमारी कांग्रेस सरकार में, और 2022 से ये लोग लगे हुए थे और इसका आज इनको सफलता मिली है। कांग्रेस सरकार जब हमारी थी तो अशोक गहलोत जी ने पाइपलाइन के लिए और सड़कों के लिए बजट घोषित किया था और उसी बजट के तहत ये पाइपलाइन सेंक्शन हुई थी। पूरे वार्ड में इन्होंने करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की लाइनें सेंक्शन करवाई है और वो पूरे वार्ड में अभी लगेंगी। और ये अधिकारी कुछ डिले कर रहे थे, हमने अधिकारियों से बात की कि भाई जब सेंक्शन है, सरकार सेंक्शन करके ये सब कुछ है, ठेके हो गए, वर्क ऑर्डर हो गया और काम क्यों नहीं चालू कर रहे हो, तो उन्होंने फिर जाके कहा कि भाई ठीक है 1-2 दिन में करेंगे। हमने कहा भाई रोड बना रहे हैं, रोड बार बार खुदेगा, तो इसलिए उन्होंने इस पाइपलाइन को शीघ्र भेजा और ये जल्दी से कल से ये काम चालू हो जाएगा। इसलिए मैं ईश्वर भाई और ये काजल यादव का बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगी कि इतनी मेहनत की इन्होंने और ये इस तरह से ही वार्ड में लगे रहे, जिससे कि जनता की समस्याओं का समाधान जल्दी से जल्दी हो और जनताओं को हर चीज़ से राहत मिले, यही हमारी काम। लागत कितनी लगी? लागत 30 से 40 लाख की लागत है पूरे वार्ड में। वैसे तो ज़्यादा सेंक्शन हुई है लेकिन इनके वार्ड की 30 से 40 लागत। पब्लिक काफी परेशान थी इस वार्ड से, काफी बहुत ज्यादा परेशानी थी। आप देख रहे हो सारे वार्डवासियों को पता है कि ये लाइन, इसमें लाइन नहीं होने की वजह से गली के नुक्कड़ से इन्होंने पाइपलाइन कनेक्शन ले रखे, जो ताकि इनके कम से कम कितने कितने मीटर, 50-50 मीटर की दूरी में कनेक्शन है, तो उससे क्या पानी का प्रेशर भी नहीं आता और इनको परेशानी भी होती है। पूरे वार्ड में समस्या है, ये पूरे वार्ड में ही समस्या है। स्वीकृति कहाँ तक प्राप्त हुई इसमें? ये पूरे वार्ड की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है सीएम बजट से, अशोक गहलोत जी के से, और वो कार्य चालू हो। आज बम ब्लास्ट मामले के आरोपी इरफान को कड़ी सुरक्षा के बीच अजमेर के हाई सिक्योरिटी जेल से JLN अस्पताल लाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार इरफान की आंखों का चेकअप कराया गया। चिकित्सा जांच के पश्चात उसे पुलिस की कड़ी निगरानी में पुनः हाई सिक्योरिटी जेल में वापस भेज दिया गया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी अजमेर में दशहरा पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। नगर निगम की ओर से हर साल की तरह रावण के पुतले बनाने के लिए कलाकारों को बाहर से बुलवाया है। इस बार भी बाहर के कलाकारों द्वारा अजमेर के पटेल मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाए जा रहे हैं। कलाकारों ने बताया इस बार उन्हें कम समय मिला लेकिन फिर भी वे निर्धारित समय सीमा के भीतर दशहरे तक रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले तैयार कर देंगे। राम पति चिकली से यहाँ तक पहुँचे हैं, ये काम चल रहा है। क्या बना रहे हैं आप लोग? ये रावण है, कुंभकर्ण है, बेगनाथ है, तीन पत्ते हैं जी। पटेल स्टेडियम में तैयारी चल रही है जी। आपकी क्या एक्टिविटी रहेगी, क्या नया आपकी? ये एक्टिविटी तो वही रहेगी जो पुराना रहता है, हर साल रहता है। आके जब पाएगा हाथ चलाएगा और डाल घुमाएगा, मुँह से अंगारे लगा देगा। किनकी ओर से आपको टेंडर मिलता है? ये नगर निगम की ओर से टेंडर मिलता है हमको जी। कितने दिन लगते हैं आपको तैयारी में? ये तैयारी तो पूरे 1 महीना लग जाता है, आपका टाइम कम मिला हमको जी। 20 दिन करीब टाइम मिला अभी। करीब कितनी लेबर लगी थी आपकी? करीब अभी तो है 15 लोग हैं, अभी तो और बढ़ाएंगे जी, ये 25 लोग हो जाएंगे। कब तक तैयार हो जाएगा ये? जी सर, दशहरे तक तैयार होगा, कम्प्लीट चल ही रहा काम। इसमें और भी कुछ है प्रोग्राम? ये प्रोग्राम क्या है, इसमें ड्रेस में चेंजिंग दी जाएगी, जो हर साल चेंजिंग देते हैं ड्रेसिंग।
गायों की देखभाल और सुरक्षा के प्रति समर्पित गौ रक्षक हवेली ग्रुप ने एक बार फिर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का उदाहरण प्रस्तुत किया। ग्रुप के सदस्यों ने गायों के उपचार और उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हुए गौ रक्षक हवेली ग्रुप द्वारा सोमवार रात्रि के समय गायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके गले में रेडियम बेल्ट बनाया गया है ताकि वे दुर्घटनाओं से बच पाए। गायों की देखभाल और सुरक्षा के प्रति समर्पित गौ रक्षक हवेली ग्रुप ने एक बार फिर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का उदाहरण प्रस्तुत किया। ग्रुप के सदस्य गायों के उपचार और उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। सूचना मिलने पर ग्रुप के सदस्य तुरंत कार्यवाही करते हुए गायों का रेस्क्यू करते हैं और उन्हें आवश्यक उपचार प्रदान करते हैं। इसके साथ ही रात्रि के समय गायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके गले में रेडियम बेल्ट पहनाया गया ताकि वे दुर्घटनाओं से बच सकें। यह गौरक्षक हवेली ग्रुप का एक महत्वपूर्ण और पुण्य कार्य है जो समाज में गौवंश की रक्षा के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। गौरक्षा के प्रति इनका यह समर्पण सभी के लिए प्रेरणादायक है। समिति के सदस्य दिन रात पूरी निष्ठा से गौवंश की सेवा और सुरक्षा में लगे रहते हैं ताकि उनका जीवन सुरक्षित हो और स्वस्थ बना रहे। नमस्कार, मेरा नाम नंदा गुजर है। हम लोग सब भाई मिलकर ये रेडियम बेल्ट रोड पे चलते हुए जानवरों को बचाने के लिए रेडियम बेल्ट बांध रहे हैं। उनसे अंधेरे के अंदर ये फोर्स पड़ता है लाइटों के, तो उससे चमक जाती है गाय। उस गाय से क्या एक्सीडेंट होने से बच जाती है। हमारा एक ही मकसद है गाय को बचाना। आप सभी से विनती है कि गाय को जितना ज्यादा सिक्योर कर सके उतना सिक्योर कीजिए। और अगर कहीं पे आपकी नज़र में गाय एक्सीडेंट मिल जाए या बीमार मिल जाए, हमें संपर्क करें। हमसे जो मदद होगी हम उनका सिक्योर करेंगे, उनको बचाएंगे। और हमारा नंबर है 7240763746। जय गौ माता की। अजमेर प्रगति नगर कोटड़ा से श्री अमरापुर सेवाघर वृद्धाश्रम में आश्रय दिनेश मुरजानी ने अपनी माताजी स्वर्गीय श्रीमती चंद्रा देवी मुरजानी की पुण्यतिथि के अवसर पर आवासियों को सुबह का नाश्ता उपलब्ध कराया। इस विशेष अवसर पर दिनेश मुरजानी सहित उनके परिवार के सदस्य भी उपस्थित रहे। अजमेर प्रगति नगर कोटड़ा स्थित श्री अमरापुर सेवाघर वृद्धाश्रम में आज दिनेश मुरजानी ने अपनी माताजी स्वर्गीय श्रीमती चंद्रा देवी मुरजानी की पुण्यतिथि के अवसर पर आवासियों को सुबह का नाश्ता उपलब्ध कराया। इस विशेष अवसर पर दिनेश मुरजानी सहित उनके परिवार के सदस्य भी उपस्थित रहे। आश्रम के परिवार और स्टाफ ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही मुरजानी परिवार द्वारा इस पुनीत कार्य के लिए उनका आभार प्रकट किया गया। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज़।